बेंगलुरु, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ कर्नाटका, एक ऐसी जगह जहां पर आईटी कंपनीज की कोई कमी नहीं है और जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे बेंगलुरु में कंपनीज, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स एंड पार्क के अलावा भी बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं। उनमें से कुछ फेमस रिलीजियस प्लेसेस को हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इस एपिसोड में हम चलेंगे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट कृष्णा टेम्पल। मैं बात कर रहा हूँ इस टेम्पल बेंगलुरु की। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलने वाला हूँ कर्नाटक बेंगलुरु के इस्कॉन टेम्पल। सो भाई, मेरे ठीक पीछे आप इस्कॉन टेम्पल देख पा रहे होंगे। ये बेंगलुरु का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है एंड आई थिंक इंडिया का भी हेडक्वार्टर माना जाता है इसको। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट इस्कॉन टेम्पल ऑफ इंडिया है। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस्कॉन टेम्पल को। मैं आपको अंदर लेके चलूंगा एंड साथ ही कैसे दर्शन किया जा सकता है, क्या कुछ प्रोसीजर है, स्पेशल दर्शन एंड जनरल दर्शन के लिए आपको क्या कुछ देना पड़ेगा, मैं सारे चीज आपको बताऊंगा इस ब्लॉग में। सो मेरे साथ बने रहिए अंत तक एंड बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ के कैंटीन में क्या कुछ खाने को मिलता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस्कॉन टेम्पल ऑफ बेंगलुरु। दिस इस्कॉन टेम्पल इज लोकेटेड एट राजाजी नगर इन नॉर्थ बेंगलोर कर्नाटका। टेम्पल्स के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं इस्कॉन टेम्पल के बारे में। दिस टेम्पल वॉज इनॉग्रेटेड बाई 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन मे 1997। इस टेम्पल को श्री राधा कृष्ण चंद्र टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर जन्माष्टमी एंड राधाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एंट्री करने से पहले आप अपने फुटवेयर्स, बैग्स एंड कैमरा वगैरह बाहर जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देनी नहीं होगी। अगर आप चाहे तो आप पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप मोबाइल से फोटोज एंड वीडियोस ले सकते हैं। इस टेम्पल के अंदर एंट्री करने के लिए आपको कुछ भी एंट्री फीस देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जनरल लाइन में आपको थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि यहाँ पर कतार बहुत होती है, लोगों की भीड़ बहुत होती है। हमने स्पेशल एंट्री टिकट्स लिए ताकि पूरी फैमिली एक साथ जा सके। हमारा टिकट है पुष्पांजलि सेवा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की है। पुष्पांजलि सेवा टिकट में कुछ चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, साथ साथ अगर आप बुक्स खरीदेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे एंड आपको दर्शन करने के बाद लड्डू प्रसाद मिलेंगे, जिसको इस्कॉन प्रसादम भी कहा जाता है। इस टिकट में एक साथ 6 लोग एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही मंदिर के सामने एक गोल्ड प्लेटेड स्तंभ एंड एक गोल्ड प्लेटेड कलश देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जनरल एंट्री हो या फिर स्पेशल दर्शन हो, दोनों लाइन से आप एक ही जगह पर आके मिलेंगे, जो कि है ये मंदिर। यहाँ पर नृसिंह जी का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ऊपर जाने का रास्ता है। सो मेरे ये जो पीछे वाला लाइन है, ये पूरा का पूरा खाली है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन आप उस साइड अंदर देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है, क्योंकि वो जनरल लाइन है एंड ये वाला जो लाइन है एक स्पेशल दर्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने 300 रुपीज़ का एक टिकट लिया था, जो कि एक स्पेशल दर्शन है, पुष्पांजलि दर्शन है, उसका लाइन है, इसीलिए यहाँ पर कम भीड़ है। तो नृसिंह जी का दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे श्रीनिवास गोविंद जी का दर्शन करने को मिलेगा। सो ये जो लाइन है, ये है पुष्पांजलि दर्शन का लाइन एंड इसके अंदर वाला जो लाइन है वो है जनरल लाइन। सो यहाँ से आप डायरेक्टली आके यहाँ पर गोविंदा जी का दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे श्रीनिवास गोविंदा जी। फिर वहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, जो कि हमारा मेन मंदिर है इस्कॉन टेम्पल। राधा कृष्ण टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप डिस्काउंट में बुक खरीद सकते हैं और साथ ही आपको प्रसाद भी मिलेगा।
हमने दर्शन करने के बाद बेकरी के पास से कुछ खाने का सामान लिया और एग्जिट की ओर निकल पड़े। एग्जिट पर आपको नमकीन एंड स्वीट आइटम्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद हम चले कैंटीन में जलपान करने के लिए, कुछ नाश्ता करने के लिए। कैंटीन पहुंचने से पहले आपको एक बड़ा सा काउंटर देखने को मिलेगा जहां पर आप पूजा रिलेटेड बहुत सारे सामान मिल जाएंगे और आप यहां पर खरीदारी भी कर सकते हैं। कैंटीन में आपको कई प्रकार के पकवान खाने को मिल जाएंगे, तो चलिए एक एक करके सब ट्राई करते हैं। मंदिर के बाहर एग्जिट होते समय आपको मिलेंगे गर्मा गर्म खिचड़ी प्रसाद। सो लास्ट में आपको दर्शन करने के बाद, प्रसादम खाने के बाद, आपको अगर शॉपिंग वगैरह करना है करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना बैग एंड चप्पल वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अपना टोकन देकर। मंदिर के बाहर आने के बाद आप अपने सामान काउंटर से लेकर यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छा खासा समय बिता सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जगह का माहौल कुछ अलग ही है, शांत, निर्मल एंड एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। सो गाइस, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बेंगलोर इस्कॉन टेम्पल के ऊपर। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, एंड अगर आप बेंगलुरु में हैं तो आप वीकेंड में ये प्लेस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग ऑल अबाउट इंडिया।